आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थोड़े से पुष्प ले राइट हाथ में ले लें, बाएं हाथ में रख लें और राइट हाथ से पुष्प ले। मेरा मतलब इन्होंने बोला कि आपको आगे जाना भी ना आनंद निर्भर शूर प्रभुना शक्ति कलश
सस्तरी कुंडी मान जगनी बनकी किन्हीं वीरस्तरी बसुमिदा चनी और लसामी ओम रिक्षे इस नपट पिट इस जिनेंद्राय अन्नर के पत्र प्राप्ते अर्घमंदर गोपामिति स्वाहा सामने से सब अलग हो जाओ सामने से बिल्कुल छोड़ दो पूरा छोड़ दीजिए जल्दी सौदर्य मित्र ईशान सरद कुमार महेंद्र अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनी फिर भविष्य चियामी स्वाहा चलिए जिन पात्रों ने कर लिया वो बिल्कुल पीछे जाए जरा आदि कुबेर महाराज पिनाए और श्रीपाल त्रितोत्तम वैनी रही शीर्वा निरूपेश नव्या के जन्मांता जिनां सर्वांत सिद्धिता ओम रिम श्री विश्वादी वीरांता जय कृष्ण प्यारा 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 बदलते जाइए बदलते जाइए धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को पढ़ते चलो हजारों लोगों रागिता पाने को प्रीति रागिता पाने को धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को पढ़ते चलो हजारों लोगों प्रीति रागिता पाने को
भोजन करते शास्त्र भोजन करते रत्नाते गुण पाने को बढ़ते चलो बसायो प्रीति राग ना पाने को प्रीति राग ना पाने को धीरे धीरे चलो जीवन धीरे भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो बसायो प्रीति राग ना पाने को प्रीति राग ना पाने को हमने भी मन से पुकारा वीर जी कहीं और सा जाए हम कोई का जाए नहीं और सा जाए हम कोई का जाए तारे का तुम हो सहारा वीर जी हमने भी मन से पुकारा वीर जी शांति कराए नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम प्रीति शांति
सत्प्रातिहारे पंडिताय दत्तोपि सत्प्रातिहारे शबरपुत्रपुताय स्मृणु बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा शांति दाताय छत्रते सत्प्रातिहारे पंडिताय छत्रते सत्प्रातिहारे शबरपुत्रपुताय स्मृणु बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा शांति दाताय प्रातिहारे अष्टसहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम भीमन नमो चिरानम नमो ओहि चिरानम नमो परमो हि चिरानम नमो सर्वो हि चिरानम नमो अनंतो हि चिरानम नमो कोट बुद्धिरम नमो बीज बुद्धिरम नमो पादानु साहिरम नमो संबेद सोदारम नमो सेय पुत्थानम नमो पतिय पुत्थानम नमो बोहि पुत्थानम नमो उजुमदीनम नमो विलमदीनम नमो दस्पुफीनम नमो चौकस्पुफीनम नमो वठ्यंग महाने व्यक्ति कुसलानम नमो व्योविटी पत्ताणम नमो विचाहराणम नमो चाहरणानम नमो पढ़ने समलानम नमो अंगास गामीनम नमो आसी विसाणम नमो दिद्धि विसाणम नमो उक्क तमाणम नमो दित्त तमाणम नमो तत्त तमाणम नमो महा तमाणम नमो घोर तमाणम नमो घोर गुणानम नमो घोर प्रखमाणम नमो घोर गुण गंभीरहीनम नमो आमो से ही पत्ताणम नमो खेलो से ही पत्ताणम नमो जलो से ही पत्ताणम नमो विपो से ही पत्ताणम नमो सबो से ही पत्ताणम नमो मण बलीणम नमो वची बलीणम नमो काय बलीणम नमो खीर सबीणम नमो सप्पी सबीणम नमो महुर सबीणम नमो अमे सबीणम नमो खीर महासाणम नमो पड्डमाणम नमो सिद्धायतनाणम नमो भेबलो मेहदी महावीर वड्डमान पुत्री सीनो चीनी जस्सन्नियं धर्मपहं नियञ्चि तस्सन्नियं विनयं पौञ्चि कायनि वाचा मनसा विरिञ्चं सत्कारयितं सर्पञ्चमेन ॐ नमो भगवतो वटमान सरसस चक्रं जलन्तं गच्छे आयसं पायनं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वा तमणे वा गणगणे वा रायमणे वा समचीत सत्ता अपराजित भवतु रख रख स्वाहा तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज्य पद्मष्टो पत्र दारिद्रो भव पत्र स्वचक्र परचक्रो भव पत्र पचन पुनान चलो भव पत्र शाकिनी धाकिनी भूत पिशाच कृत पत्र दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित पत्रावाणाम विनाशनम भवतु श्री शांति रसनो सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनधान्यमस्तु सदास्तु श्री सत्यं बल आयु ऐरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम निवारण नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भगवतु कल्पत्र श्री शांतिनाथ भगवान की देवते पूर्णय श्री महावीर भगवान की चतुर्थ्यो मार्जित करेंगे और कुबेरेंद्र परिवार जल और गंतु तक लेकर माता जी के कर कमलों में देंगे आइएगा नत्वा मोहम निज गदई नमतो भूमियै संक्षेप जिनेन्द्र तब चंद करा बताते सुधां सुखेन विवरीन नितांत रम्मी देहिस्तता जल कड़ा परिमाजी आमी औम्री अमनान सुखेन जिन विकम दिनियंत्रम च मार्जिनम करूमी स्नानम विधाय भवतुष्ट सहस्र नामना मुच्चारणेन मनसो वत्सो विशुद्धिं जिग्री चुरिष्टिं नतेष्टितैं विधातुं
सिंहासन विधिवत आइएगा, बड़े बड़े भावपूर्वक मार्जन करिएगा और मार्जन के बाद जो पात्र शांति धारा करेंगे वही पात्र भगवान को विराजमान करेंगे। रोज लाएंगे शोधरविंद ही, रोज लाएंगे शोधरविंद, लेकिन विराजमान को करेंगे जो शांति धारा करेंगे। प्रमुख प्रमुख पात्र एक एक दिन शांति धारा करेंगे तो विशेष जी को विराजमान करेंगे। चलिएगा गंतोतक लेकर आए पूरन चंद जी के परिवारजन, एक में गंतोतक एक में जल। और पूज्य माता जी का मंगल उपदेश 8:30 बजे होगा। बिल्कुल जो लोग जा चले जाते हैं या बाद में आते हैं तो ध्यान रखना रोज का समय बिल्कुल फिक्स है, इसलिए समय से सभी लोग यहाँ उपस्थित हों। चलिए चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, तुम्हों के सर पे सवार देखो मंदिर जी की द्वार जी के देव की सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली रे ओ चली चली रे, ओ चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, ओ के सर पे सवार देखो मंदिर जी की द्वार जी की देव की सवारी देखो चली रे, ओ चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, प्रभु सर पे विराजी ऐसे कोई माता छवि राम जैसे, प्रभु सर पे विराजी ऐसे कोई मामा छवि मंगल दीप जला कर लाए भगवान तेरी याद दिखाए, मंगल दीप जला कर लाए भगवान तेरी आरती गाए, देखो सिंह देखो सिंह निहारो मोरतिया ओ बाबा करो आरतिया, चो चो चनन नाची बाबा करो आरतिया, भगवान की जी। आई का अपना स्थान ग्रहण करें जल्दी से, थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ भाभी बबीता जी, इसको आगे बढ़ाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से कोई बात नहीं, इसको बढ़ा दो आप लोग आगे, किसका उसको ऐसा को किसका जी बात किसका को अच्छा इधर जो आप लोग कितनी गोल कितना की कितनी अच्छी है, जल्दी में कपड़े दीपक पे रख जाए है ना, थोड़ा ध्यान अपन को रखना है इनका, ये नहीं रखेंगे। चलिए इतना बाटा कर करिए
बोलो महावीर भगवान की जय। भैया जी ऐसे नितिन भैया जी सत संयम की पद पर चलती कैसे ही भैया जी कैसे नितिन भैया जी ऐसे नितिन भैया जी आप लोगों की तालियां बजी चाहिए दोनों हाथ होते हुए सत संयम के पथ पर चलते ऐसे ही भैया जी कैसे नितिन भैया जी ऐसे नितिन भैया जी ऐसे नितिन भैया जी ऐसे नितिन भैया जी और अनिल भैया जी यहाँ भी हो दो मिनट के लिए यहाँ पर आए और अपना सम्मान कराए और गोलू भैया वो भी आए वो भी अपना सम्मान क्या कराए और किशन जी भी आए वो भी ऋषि हाँ ऋषि जी और भी अपना सम्मान। अरे अनिल भैया जी और गोलू भैया जी अभी भी जाते हैं और वो संगीत का उसका बेटा हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है भाई ऋषि आइए गुरु भाई का अच्छा ये इंद्र अभिषेक कर रहे ठीक है हाँ दे दो अनिल चलिए आइए पूरी भक्ति और आनंद के साथ चलिए ओम शांति। लगी भी पड़े तो देवो मंगलम तारी लो उत्तमा हरिंदा लो उत्तमा सिद्धा लो उत्तमा साहू लो उत्तमा की भी पड़े तो लो उत्तमो चेतारी शरण पव चामी हरिहर शरण पव सीते शरण पव जामी साहु शरण पव जामी केवली पड़ तमे नमः शरण पव जामी ओ नमो कार नमो कार महामंत्र नमो कार नमो कार नमो कार महामंत्र नमो कार ओम नमो अर्हति स्वाहा पुष्पांजलि स्वामी। जिस दिन पापी मने पावन होगा जिस दिन पापी मने पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा जिस दिन पापी मने पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा देश दिगंबर साधु जी सा अपना जीवन होगा जिस दिन पापी मन पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा तब पवित्र पवित्र होगा स्वस्ति दोन सतो पिवा दायित पच्चिन वशायं सर्व पापी प्रमोचते पवित्र पवित्र होगा सर्वापस्थम गतो पिवा यही स्मरित परमात्मानं सावाया कृतरे सुखी नभिराजित मैत्रोवियं सर्वे विघ्नि विनाशिना मंगले सोच सर्वेशो प्रथम वदिनरे मता ऐसो पंची नमो यारो सब पाप पनासिनो मंगलानं छे सब्वे सिं पद्मम होई मंगलम हरि मिति चरम ब्रह्मा वाचिकम परिवेष्टिना सिद्धि चक्रस्य सद्बीजं सर्विता प्रणमामि हम कर्मास्तत्व निर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक् स्वादि गुणोपेतम सिद्धि चक्रम नमामि हम विघ्नो गाति शमिनी होति पलका विषम निर्दिष्टामी आदि कोई बाधे जिनेश्वरी इति श्री जी चरणाग्रेशु पुष्पांजलि क्षिपामि। तेरे पाच होए कल्याणी प्रभो एक बार मेरा कल्याण कर दे तेरे पाच होए कल्याणी प्रभो एक बार
मेरा कल्याण कर दे। उदक चरण दलदल पुष्प कैचर सदी दस दोत फलार्ग के बल मंगल गानेर पापुले ग्रहे कल्याण महामलगे। ओम रीम श्री भगवतः गर्भ जन्म तप पूजा निर्वाण पंच कल्याण के प्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ निर्भ पावि स्वाहा। उदक चंदन तले दुल पुष्प कई चल सही कस दो फलार्ग कई दवर मंगल गाने दवा कुली त्रिवे जिनाथ महमी जी। ओम रीम अरस सिद्धा चले पाते सर्व साधु पंच परमिष्ठी धुन मारे अंदर वो पावि थी स्वाहा। उदक चंदन तले दुल पुष्प कई चल सही कस दो फलार्ग कई दवर मंगल गाने दवा कुली त्रिवे जिनामी चामे। ओम रीम भगवजन स्तोत्र सहस्ना मिठो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ निर्भ पावि जगत्रीशायक मन चतुष्टिया। बोलिए स्वस्ति त्रिलोक गुरु जिन पुंग भाई स्वस्ति स्वभाव मही मोदी स्वस्ति ताई। स्वस्ति जल विमल बोध सुधा प्लवाई स्वस्ति स्वभाव पर भाव निभाषिकाई। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्यतानिरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः। अर्हत्पुराणि पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि अनोनिमखिलानि अमेकि एव। जिन चरणाग्रेषु पुष्पांजलिं क्षिपामि बाहों में फूलों में हरि वो नजारे आए हम पुजारी भोजन करेंगे। आए हम पुजारी भोजन करेंगे। और जो पुजारी बनकर आया है भगवान के शरणों में कौन कौन पुजारी बनकर आया है? सभी लोग पुजारी बनकर आए हैं। और कैसे आए हैं पुजारी बनकर के? दोनों हाथ भक्ति बड़ी भक्ति के साथ तन्मयता के साथ आए हम पुजारी भोजन करेंगे। आए हम पुजारी भोजन करेंगे भोजन करेंगे भक्ति करेंगे। आए हम पुजारी भोजन करेंगे। आए हम पुजारी भोजन करेंगे। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्चिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदिता श्री स्मृति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सोपाश्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री शान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजी श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री प्रणाता श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मनुशोभता श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिना श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। इति चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल विधानम जिन चरणाग्रेषु पुष्पांजलि क्षिपामि। आइएगा 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में पुष्पांजलि करने के बाद रिद्धिधारी मुनि राजों के पावन चरणों में चलते हैं। और इस भावना से कि भगवान की रिद्धियां संपूर्ण जीवन के परिमार्जित करने से पैदा होती हैं और ये रिद्धियां का मात्र श्रवण और पठन करने से रिद्धि सिद्धि और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो क्यों ना हम प्रतिदिन इन रिद्धियों का पाठ करें। प्रतिदिन इन रिद्धियों को पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन
परिवर्तन पैदा होता है। पाए शस्ति क्रियाशु परमर्श योना, आप सभी बोलेंगे, आइएगा पूरी भक्ति के साथ। ओ गुणी गाई जा गाई जा गाई जा, ओ महावीर के गुण गाई जा गाई जा, ओ गुणी गाई जा गाई जा गाई जा, ओ गुणी गाई जा गाई जा गाई जा, ओ महावीर के गुण गाई जा गाई जा। तेरा जीवन बहता पानी पानी पिघल जाए, तेरा जीवन बहता पानी पानी पिघल जाए, इसे आकर कौन बचाएगा, इसे आकर कौन बचाएगा। ओ महावीर के गुण गाए जा गाए जा, ओ महावीर के गुण गाए जा गाए जा, गाए जा गाए जा गाए जा, ओ महावीर के गुण गाए जा गाए जा, ओ महावीर के गुण गाए जा गाए जा। अवसर मिला है भक्ति करने को, अवसर मिला है भक्ति करने को, प्रभु जी के चरणों में वरदाए जो मैं, प्रभु जी और जी जिसकी भी स्थिति की समझ गई होगी ना, प्रभु के चरणों में आकर के जरा पे दोनों हाथ खोलेंगे, दोनों हाथ बड़ी भक्ति के साथ। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, तेरा प्रभु जी मुझे हो तुम्हारी, तेरा प्रभु जी मुझे हो तुम्हारी। नाम परिवार बने तुम मेरी बारी, प्रथम पानी उनकी भी होगा, इस पूरी मना मरे शुद्धि होगा, दिव्या प्रतिज्ञा निर्बल प्रबोध सस्ती पुष्ट सिखनों प्रपन्ने की बीज संगीत संस्कृति बदानुसारी चतुर विधम मूर्ति बल्लभ प्रधाना सस्ती। बोलिए दीपम चतकम चेतकमोरम ओरम तपो ओरि परक्रमस्था ब्रह्मा परम भूत गुणाशरंता सति। आमरस सर्वो षदियस्तताशी विषा विषा दृष्टि विषा विषाची सकिल पिटजल बलौषधी सा सति। तेरा जीवन चीरम सर्वतो पे तम सर्वतो मैं तो सर्वतो पे तम सर्वता जीने संभा सुमाहाने साचे स्वस्ति। ओ तेरा जीवन बहता पानी पानी पिघल जाए, तेरा जीवन बहता पानी पानी पिघल जाए, इसे आकर कौन बचाएगा, ओ इसे आकर कौन बचाएगा। ओ महावीर के गुण गाए जा गाए जा, ओ महावीर के गुण गाए जा परमर्षि स्वस्थ मंगल विधानम जी चरणाग्रीषु पुष्पांजलि क्षिपामि। जय बोलिए नव देवताओं की। ज्ञानमती माता जी वाली पूजन कर रहे हैं, कल करेंगे पूर्णमती जी वाली, आज बुक्स नहीं आ पाई वहां से चलेगा, ज्ञानमती जी की निकालेंगे नवदेव का पूजन। कहाँ है, यही है क्या, निकालो निकालो फिर क्या बात है, टाइम लग जाएगा इससे। पहले आज रात में ही रख लेंगे निकाल। चलिए चलिए सामने के लिए खड़े हो जाए अपने स्थान पर। चलिए और सभी लोग स्थापना के लिए खड़े हो जाएंगे, बड़ी ही भावों से बड़ी ही तन्मयता के साथ।
भगवान को अपने मन हृदय बुला रहे हैं। दरि बदर भटकते रहे योनियों में हम मिले गए चरण। नवदीप समूह अंतर अवतर अवतर संपोषण की आवाहन और प्रेम से अगस्त आचार्य पद सर्व संत जिंदर जनागम के चैत्य क्षेत्रालय नवदीप समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना और प्रेम से आचार्य पद सर्व संत जिंदर जनागम के चैत्य क्षेत्रालय नवदीप समूह अत्र भविष्य की तो भव वश सन्निधि करणम दिव्य पुष्पांजलि। आइएगा जल चंदन से स्टार्ट करते हुए चले भाई ऋषि जी जी चलिए बुला रहे हैं हमारे सुंदर सीधा 8:30 बजे प्रवचन है और समय से करना चलिए चलिए शोभाभिशोति शीतली शांति जल की तराई आत्मा फिर क्यों अशांति जल का शोभाभिशोति भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि न प्रकृति सिद्धि मंगल पाई कृपा जल का शोभाभिशोति शीतली शांति जल की तराई आत्मा फिर क्यों अशांति। और इसी का दिव्य रूप जल के अपने विनाशना दिव्य जल में रूप आवे दे वो जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया बोलिए अंतिम कीर्तन श्री महावीर भगवान की। जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया तेरे सर पे महावीर का हाथ आ गया तेरे सर पे महावीर का हाथ आ गया जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया जब जब विपदा आई बाबा साथ आ गया तेरे सर पे महावीर का से अर्चा करें सब सिद्धि नव निधि
मंगल पाए शिव तांडावे। ओम निश्चिन देवेभ्यः क्षुतारोग विनाशनाय नैवेद्यमुपामिति करिपोधि ज्योति जगे मगे दीपके लिया निज हाथ में आरती तमे बारि दीपा ओ सुज्ञान प्रकाश में नव देवताओं की सदा क्यों भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नभो निधि दीप्ति मंगल पाई शिव कांतावरे। भूख लेकर आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं भगवान के पावन श्री चरणों में, ये प्रार्थना दिल की होए कार नहीं होगी। बोलिए महावीर भगवान की जय, भगवान की ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। बोला है भरोसा मेरी हार नहीं होगी मेरे जी, जब तू मेरे साथ है जब तू मेरे पास है। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। भरोसा मेरी हार नहीं होगी, जय जिन दे जब तू मेरे साथ है, जय जिन दे जब तू मेरे साथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर दुख में इतना सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बुरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, जय जिन दे जब तू मेरे साथ है, जय जिन दे डरने की क्या बात है। और एक बार सारा का सारा केंद्र परिकर बोलेगा मेरे साथ में, ओ मैं हाँ जय जिन दे डरने की क्या बात है। जब मेरी बारी आई तो अपना भला
नीत में जगे शांति ने नवते हो जो श्रद्धा भक्ति समय शांत शांति धारा ओ नाना बुद्ध के समानी मन में गौ हर्षाय प्रेम पूजो नव देविता पुष्पांजलि जना दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि नौ वाक्यप करना है ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जिंधर्म जनागम जिन चित्त चित्त अलिभ्यो नमः ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जिंधर्म जनागम जिन चित्त चित्त अलिभ्यो नमः ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जिंधर्म जनागम जिन चित्त चित्त अलिभ्यो नमः ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जिंधर्म जनागम जिन चित्त चित्त अलिभ्यो नमः ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जिंधर्म जनागम जिन चित्त चित्त अलिभ्यो नमः ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जिंधर्म जनागम जिन चित्त चित्त अलिभ्यो नमः ओम नी मरस सहचरी पत्य सर्वसाधु जय माला करेंगे चित्तामणि रत्न दीदी लोक में श्रेष्ठ हो गाओ गुणमयमान जीवन के भर तो सदा आइए भक्ति के साथ तुम तो प्रभु बीत राजी तुम तो प्रभु बीत राजी हमें कब बताओगे तुम तो प्रभु भी निरागी हमें कब बनाओगे तुम तो प्रभु भी निरागी हमें कब बनाओगे तुम तो प्रभु भी निरागी आप मेरी नजरों से नजर कब मिलाओगे प्रभु तेरी मूर्तिया प्रभु तेरी मूर्तिया आप मेरी नजरों से नजर कब मिलाओगे तेरे मन के सिंहास आप कब बताओगे श्री हरि भक्त देव देव हमारे जे आदिया को पाट सकल जतियों भारे सुशुद्ध सिद्ध जीव भक्त न करूं जे अष्ट कर भक्त की मैं अर्थ न करूं आचार्य देव गुण छत्तीस धारे दीक्षा दे सत्य भव धारे भक्त उपाध्याय गुरु ज्ञान की धरी सर्वांग के उपदेश की वर्षा करने घटी हमें तो बनाओगे तो मेरी बिजली
दर्शेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानी चमंदरेषु यावंति चैत्ययतनानि लोके सर्वाणि वन्दे चित्पुङ्गवानां अवनितलगतानां कृत्तिमानां पन्नभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इहमनुजकृतानां दिव्यराजार्चितानां जिनवर्णनीयानां भावतोऽहमीश्वरामि जम्बूधातके पुष्पार्धवसुधा क्षेत्रत्रये भवा चंद्रांभोज शिखंडी कंड कंड प्रावृतना भाजना सम्यक् ज्ञान चरित लक्षण धरा दग्धाश्च कर्मेन्धिना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः श्रीमन्मेरौ कुलात्रौ रजतगिरी वरे शालमलौ जम्बूवृक्षे वक्षारे चैत्य वृक्षे रतिकर रुचके कुंडले मानुषांके इश्वाकारे जनाग्रौ गति मुक्षिकरे वेंतरे स्वर्ग लोके ज्योतिर्लोके विबन्दे भवत महितनियानि चैत्यालयानि दौकुन्दे दुदु शारहार धवलौ गाविन्दनी लम्प्रभौ तौ बन्धूक समप्रभौ जिनवर्षौ तौ च प्रियङ्गु प्रभौ शेषः षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हे मप्रभा ते संज्ञान दिवाकर सुरमुता सिद्धि प्रिय क्षंतु नव कोटि शया परमीशा त्रेपन लखा सहस्राईसा नब से ले अडियाला जिन पड़िमा कितमा बंदे तीनों लोकों में जितने भी कृतिम अकृतिम चेतना रहे उनकी वंदना का भाव बनाते हुए अर्घ्य समर्पित करके मादम से अर्घ लीजिए और त्रिलोक स्थित कृतिम अकृतिम चेतना से संबंधी कृतिम अकृतिम सर्वजन में पे भ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति पुष्प लीजिए इच्छामी भक्ति जय भक्ति का औषक को तसलो जो अहलो त्रिलो कुटलो यम किटमा किटमानी जानी की चियानी तानी सम्मानी तिशु भी लोईशु भवन वासी बारे मित्र जोसी कप वासी देवा सपरी बारा दिपेण कंदेड़ दिपेण वो पेण दिपेण दी पेण दिपेण दू पेण दिपेण वासले दिपेण निहाने ने दिपेण छुट्टी ने सैनिक चिकाल अंचंति पुचंति बंधंति नमम संति अहम अभी इह संतो तत्त संताई सैनिक चिकाल अंचिमी पुचिमी बंधामी नमम सामी दुख खो कमखो ओहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो तू मज्जम इति पूर्वचन कमेंट सकल कर्म क्षार्थम भापूजा बंदना स्तो समितम श्रीमत चैत्य भक्ति पठित का कायु सर्गम कुर्बान नवबार नमोकार मंत्र द्रव्या तो जुली नाहि अर्घ कर में नवी नाहि पूजता पापिची नाहि पानमल जोड़ की नाहि ही बनाई सरस राजी चेत्र जस काबिसी चाजी सात सतवीस जिन राजी पूजता पाप सब भाजी ओम्री पंच भरतैरव क्षेत्रस्त विंशति उत्तर सप्त सत जिनेन्द्रेभ्यो अन्नर्घ पद
प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुम को अर्को भवतार अब नदी मोक्ष भरो। चौबीसो श्री जिन चय दिया नदी कै विसई नदी जजति हरति भवे पै पितावति मोक्ष मही। ओम रिम श्री पुष्पादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। आदिनाथ भगवान की सुचि निर्मल नीरम गए विश्वचत पुष्प चरोले मनि हरिषाय दीप धूप फलि अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग के बजाय। बोलिए हेलो 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 भगवान की। हेलो सादा चल रहा भाई, सादा चल रहा पूरा। हेलो हो हेलो हेलो हो। सोना किर में सोना सदा बरसता है। बढ़िया भक्ति के साथ जय बोलो चंदन प्रभु भगवान की। सोना किर वाले बाबा की। आइए मैं अपनी ओर से आपको इनविटेशन दे रहा हूं। सोनागिर में 23 नवंबर से 29 नवंबर 24 पंचकल्याण एक साथ संपन्न हो रहे हैं। 24 माता पिता, 24 सौधर्मिंद्र, 24 महायज्ञ नायक और 24 ही समोशरण। बहुत अद्भुत नजारा सोनागिर की उस पर पृथ्वी पर मिलने वाला है। आप 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में जरूर वहां पर पहुंचे। और पंचकल्याण सभी लोग करा रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में। चुन्नी का पूजा भूषण और भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में आप सभी वहां पर जरूर पहुंचेगा। अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक पंचकल्याण आपने कभी सुना तो हो सकता होगा कि एक साथ 24 सौधर्मिंद्र होकर कोई पंचकल्याण होता है। विधिनायक प्रतिमा 25 है, 24 तो 24 और एक चांदी की 25 की प्रतिमा विधिनायक भगवान की और 1750 प्रतिमाएं मैं समझता हूं जो हमने बड़ा गांव में पंचकल्याण किया था उससे कुछ छोटा हो सकता है, लेकिन पंचकल्याण बढ़ाए प्रतिमाओं में थोड़ा सा कमी जरूर है। वहां ज्यादा थी, 2400-2500 थी, यहाँ 1700 है, बस अंतर सिर्फ इतना है। लेकिन अद्भुत नजारा सोनागिर के अंदर प्राप्त होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है जरूर सोनागिर आइएगा, बहुत अद्भुत नजारे के साथ। और हमारे यहाँ से तो बहुत बालाजी तो हमारे वहां के बिल्कुल भक्त है, हमारे राजेश जी के ससुर साहब। मैं समझता हूँ साल भर में 6 महीने वो वही रहते और मैं बैंकिंग क्रेप समाज से सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जाए या ना जाए, जाए तो अच्छा है क्योंकि सोनागिर सिद्ध क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र अष्टानिका के बाद जाने का अगर सौभाग्य मिलता है तो मैं समझता हूं अपना सबसे बड़ा, क्योंकि होता भी अच्छा बड़ा विधान करो तो एक क्षेत्र की वंदना जरूर करना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। नहीं, 23 नवंबर से मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आज सब पे यहां बैठे कि हमारा कुछ अंश सिद्ध क्षेत्र पर जरूर पहुंचे। इस हेतु अमन भैया हमने 25 झूले जो जन्म कल्याणक के दिन एक साथ 25 झूले झुलाए जाएंगे वो हमने बनवाए हैं और उसकी राशि है मात्र 5000 रुपए की, ज्यादा महंगा नहीं है, मात्र 5000। मैं बैंकिंग क्लेप से चाहूंगा इस बार के 25 झूले पंच कल्याणक के बैंकिंग क्लेप समाज नहीं प्रत्येक अलग अलग परिवार की ओर से होना चाहिए और एक बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक क्या है सिद्ध क्षेत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पूरा पर्वत सोने का था इसलिए तो सोनागिरी कहा आचार्य शुभचंद्र और सब जानते हैं। तो पूरी भक्ति और भावना के साथ जिनकी मनोभावना बने वो लिखवा दें। हम झूला मंगा रहे हैं, एक दिन बीच में आएगा और वही झूला कोशिश करेंगे कि जब भगवान का जन्म होता है और सौधर्मिंद्र और इंद्राणी भगवान की थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर करेंगे तो उसे झूले को रखकर यहाँ हम झुलाएंगे भी ताकि वो थोड़ी सी भावना बनेगी। आइए पूरी भक्ति और आराधना के साथ चलते हैं। क्या हुआ तेईस से उन्तीस नवंबर कभी भी एक दिन देख लो, सैटरडे जन्म कल्याणक पड़ेगा 25 को। हाँ करें आप मुझे बता दें।
ने आपकी रुकने की सारी व्यवस्था हमारे जुम्मे उन, वहां उन्होंने इन इंद्राणी की कोई भावना बनाई थी, लेकिन उनका रथ प्रवर्तन कर रहा है पूरे देश में। जो लोग 11,000 रुपए की राशि दे रहे हैं उनको वस्त्र, एक कलश और रुकने के लिए एक कमरा पहले से वो निर्धारित कर देते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करना, हम हैं, आप पूरे आ जाओ तो भी हम रुकने की आपकी व्यवस्था कर देंगे, इसलिए कोई चिंता की बात। हाँ बस इसलिए रुकने की बात नहीं है, ना कोई किसी भी कटवाने की बात है, आप तो आ जाओ। बस बता देना कि हम 100 लोग आ रहे हैं, हम आपकी रुकने की और भोजन की सारी व्यवस्था वहां पर बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी से थोड़ी कहना, हमें तो बबीता के पिताजी से बोलना है, लाला जी रुकवा दे। बबीता भाभी आइए। तो सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, पल भर में बन जाते सारे बिगड़े काम, पल भर में बन जाते सारे बिगड़े काम, ऐसा है अपने बाबा चंदा का धाम, सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, पल भर में बन जाते सारे बिगड़े का, ऐसा है अपनी चंदा बाबा का नाम, सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, सजी हटो गुर पुनी प्रिया टो नमो बोझो अष्टम जिनवी की अष्टम अब निगमो, चंद नाक दुद चंदन चरण चंद लगे, मन पचतन के जन समन मंद आत्म ज्योति सके, ओ प्रेसी चंदन प्रवचनित रहे अंदर के पद प्राप्त है अर कंदर बपामिति सहा, पचतन समाधि तुम निग धारी आनंद धारी विक्रारी, तुम हो भव धारी करुणा धारी आते धारी शरणारी, श्री शांतिनी शमित शक्ति शवन चंद्रेशम चक्रेशम हरि हर चक्रेशम हे गुण देशम हे अमृत देशम भक्तेशम, ओ प्रेसी शांति का दिन रहे अंदर के पद प्राप्त है अर कंदर बपामिति सहा, चल फल आदि साच सुच लीनी आठो गर्भ मिलाई, अष्टम चित के राज करण को चजु अर्थ बसनाई, दाता मोक्ष के श्री ने बिना जिन राई दाता मोक्ष के, माल भान बिचारी ने बिना जिन राई अर्गम गर्भ पावती सहा, एक रचित अपनी पार सुनात भगवान की। आइए जब तक हम अर्घ समर्पित कर रहे हैं आप लोग जाए माता जी को जल्दी से लेकर आ जाए, आइएगा चलिए माता जी के साथ एक पूजन करेंगे फूल लाइन की भगवान महावीर स्वामी की, उसके बाद का विचार आप लेकर आ जाए, चलिए परशुराम भगवान का। हो पारस पारस भी कहो मधुबनी जिनी का ठिकाना है, और कहा अब जाए भैया मधुबनी हमको जाना है, अक्षिता ने पुष्प चार लीजी, दीप धूप शीतला दी अर्घ्य तिज जीजी, ओ पार्श्वनाथ देव से वो आपकी करु सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा, पारस पारस में कहो मधुबनी जिनी का ठिकाना है, और कहाँ भी जाए भैया मधुबनी सबको जाना है, जी जी पार्श्वनाथ बोलो जी जी पार्श्वनाथ श्री महावीर भगवान की पूजन पूजन निकाले चलिए। हो श्री मत वीर
हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताए हे हरि अंग हरि करदन नये हरि पंग कति मौल सुआई मैं तुमको ताकत हो प्रभु भक्ति तुम्हें हरिशाई हे करुणाथन धारक दिल यहाँ अब ते समुशी कहियाई ओम श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संपोषित आवाहन नमो ओम श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम ओम श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भो भो सन्निधि करणम दिव्य पुष्पांजलि आइए तो बैठ जाए पात्र जल्दी से आ जाए जो पात्र लोग गए हैं शिला नयन महावीर बसुर मरारे बेड़ामे जावे रही नदी गलबीर बसुर मरारे बेड़ामे चांदनीपुरी के महावीर शिला नयन महावीर बसुर मरारे बेड़ामे चांदनीपुरी को महावीर बसुर मरारे बेड़ामे गैया जावे और जाकर दूध चढ़ावे ओ आई 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 गुरु माता जी आई ओ आई 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 गुरु माता जी आई पिछली रात सभी भक्तों के साथ पिछली रात सारे मित्रों के साथ आई 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 करी माता जी आई ओ धीरे धीरे होले होले मंदिर जी में आई इनके लिए था मन बेकरार वो मैं आ गई पर मैं खुशी का ठिकाना नहीं आ मैं खुशी का ठिकाना नहीं आ मन में खुशी का ठिकाना नहीं आ पर मैं खुशी का ठिकाना नहीं जल्दी से भगवान महावीर स्वामी के पूजन के लिए देखो देखिए दो लाइन आपको बोलना है और जोर से बोलना है हर चंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा तो पतंग की पतंगुरी आँख कर जरा हो सीरी पानी सा
श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्भुतानि स्वाहा। ओ कृष्णानो लाल नीलो ओ दुनि तुझ दिव्य चुनारी बलदा तुझ दिव्य चुनारी बलदा के मन में भगत होगी के मन में भगत होगी महावीर तबेरे बाटी दीपक जले जले रे बाटी तुझको तपना होगा मोह तजना होगा तुझको तपना होगा। राग से बैरागी की ओर बढ़ गए हैं भगवान। अभी तक तो राग रंग का खेल था, बैरागी की ओर बढ़ते हैं। ओ पत्नी को माटी को काजल बनाए तपनी को माटी को कागज बनाए ओ कागज पे सागर सहज ही समाए गागर पे सागर सहज ही समाए माटी सागर पर शरण का दर्शन भैया मिला है मौके से सब शरण का दर्शन भैया श्रीपाद में ही बैठे जी। हो श्रीपाद जी, श्रीपाद जी पहुंचे। ये तीन दिन के श्रीपाद है भैया, इसलिए तीन दिन देखो इनको कब जाता है। कल तो कल की शाम की धारा इनसे करा लेते, उनको पात्रों को एक दिन पढ़ा देंगे, इनको जाना है इसलिए कल की अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बात तो बराबर आठ दिन है, आठ दिन के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए पूर्व के आराधना के साथ सब शरण का दर्शन भैया मेरा स्वामी का ये समा सबके मन को भाया है कई गावी का ये समा सबके मन को भाया है प्रसन्न मन राम की लग चंदा की शरणाया है प्रसन्न मन राम की लग चंदा की शरणाया तुम अंतरिया में ना गया सच्चे हो स्वामी का कहना चली भक्ति की कोलगारी सितर की नगरी में सारा आनंद समा गया भक्ति की नगरी में रंग बरसा रे मुक्ति से हर्षा रे
के जिनालय में बनवाए और अब एक विमान जी यहाँ पर बनने वाला है जो आएगा, क्योंकि उसमें चॉइस करने में बहुत ज्यादा समय लग गया है और वो कल हम लोग बैठे थे तो कल उसकी हमने चॉइस की है कि कैसा विमान होना चाहिए। उसमें भी करीब 30 से 40 किलो चांदी लग रही है। हम सोच रहे थे थोड़ा कम में बन जाए, हम तो जरा कंजूस से आदमी है इसलिए, लेकिन नहीं, लोगों ने कहा भैया जी बन जाएगा, कोई बात नहीं। खूब अच्छा विमान जी, जो हम श्री जी की शोभा यात्रा आदि निकालते हैं तो 4 लोग 8 लोग हाथों में लेकर भगवान को जब लेकर चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो ये सब माता जी मैं इनके बालों की कृपा है और इनका प्रभु से इतना जुड़ाव है कि प्रभु के पास आने में पीछे पीछे धीरे धीरे सारा कुछ छोड़ते चल रहे हैं ताकि उन जैसे एक दिन बन जाए, ऐसी भावना के साथ पूज्य माता जी का प्रवास हमारे बीच में है। इन 5-7 दिनों में माता जी का पूरा लाभ ले। कल हमने घोषणा की थी 5:30 की 5:45 तक कोई नहीं पहुंचा, ठीक है कल हम समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, लेकिन आज मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्यों सुधर जी कितने बजे? 5:45 सभी को कंपलसरी 6:45 यहां उपस्थित होना है। सभी को 6:30 से 6:30 हम गुरु भक्ति करेंगे, 6:30 यहां से हम यहां से सारे लोग मिलकर महाआरती कर्ता के परिवार तक चलेंगे। और मैं तो कह रहा हूं ढोल ढमा के यहीं से लाओ, हम ढोल ढमा के यहीं से जाएंगे सब लोग वहां तक उनको लेने, फिर वहां से बजे तो बहुत अच्छा है। और वहां से जाके सीधा महाआरती कर्ता को लाकर 7:00 से हमें महाआरती प्रारंभ कर दें। तो ये दोनों काम अपने बिल्कुल जो चलना है वो कंटिन्यू में चलते रहेंगे। अब गैप होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 6:45 ठीक हमें इसी हॉल में उपस्थित होना है। परम पूजनीय हरिका संघ को अपन जल्दी से बुला लेंगे। पूज माता जी क्योंकि इनकी मर्यादाएं होती है माता जी महाराज जी की रात में ज्यादा बोलना भी नहीं, चलना भी नहीं, इधर उधर नहीं जाना इसलिए। और जैसी बात ध्यान की आई थी कि थोड़ा सा ध्यान पूज माता जी के माध्यम से हो, उसका भी अपन समय तय करेंगे, क्योंकि सबक है आप वहां से श्री जी का अभिषेक होता है 7:45 वहां बच जाते हैं, इसलिए एक समय ऐसा निकालें ताकि हम करीब 15 से 20 मिनट, इससे कम में तो ध्यान होता ही नहीं, इतना तो समय चाहिए चाहिए, तो वो समय निकालें। और एक पक्की बात मैंने कहा था कि कल मैंने कहा था कि परिधि से हटकर केंद्र में आने का नाम ध्यान है, इसलिए परिधियों को छोड़ना है और केंद्र की आत्मा की ओर दृष्टिपात करना है। वह माता जी के साथ करेंगे, माता जी कराएंगे, वैसे अपने कभी निश्चित कर लेंगे और उसकी घोषणा तत्काल कर देंगे कि कितने बजे का अपन को समय रखना है। तो आप सभी उस समय पर उपस्थित रहेंगे ताकि हम ध्यान की इस भूमिका में अपने आप को बहुत अच्छे से जोड़ सके और हमें ध्यान करना आ जाए ताकि जिसका हम ध्यान करें वो हमारे सामने उपस्थित हो जाए। ऐसी भावना के साथ आज पूजनीय वर्दस्तंदनी माता जी के पावन चरणों में आप सबकी ओर से बदनामी निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। हे माता जी हमें अपना मंगल आशीष वचन देने की कृपा करें। परम पूजनीय माता जी सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव अहिंसा के उद्घोषक वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य अभीक्ष ज्ञानोपयोगी स्याद्वा केसरी आचार्य गुरुवर्षी वसुमती जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, श्री वर्धस्व नंदिनी माता जी की, समस्त आरिका संघ की। श्री भगवान महावीर स्वामी के पादों में विराजमान
आप सभी धर्म स्नेही सच्चिदानंद पुण्य आत्मा महानुभाव, आप सभी लोग सिद्धों की उपासना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह बात निश्चित है कि सिद्धों की उपासना मात्र भव्य जीव ही कर सकता है। निराकार रूप की उपासना केवल वही कर सकता है जिसे निराकार अवस्था की प्राप्ति होना निश्चित है, वरना साकार रूप की उपासना तो वो भी कर सकते हैं जिन्हें कभी मोक्ष शायद जाना ही नहीं है, यानी ऐसे अभव्य जीव। ऊपर स्वर्गों में देवों के जो विमान होते हैं, उन देवों में अर्हंत बिंब होते हैं, जिन बिंब होते हैं, उन जिन बिंबों को सम्यक दृष्टि तो वीतरागी देव मान करके पूछता है और मिथ्या दृष्टि अभव्य जी उन्हें अपना कुल देवता मान करके पूछता है। यह बात आचार्य भगवान श्री यदुविषभ स्वामी ने तिलोय पंडिति के अंतर्गत कही। जब साकार देव को कोई भी पूछ सकता है तो वहां पे निश्चितता नहीं है कि यह भव्य है या अभव्य, लेकिन जो निराकार देव की स्थापना कर रहा है यह बात निश्चित है कि वह नियम से भव्य जीव ही है। महानुभाव, सिद्ध परमेश जी की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, कई बार मन में प्रश्न घूमता रहता है, आखिर सिद्ध परमेश्वरी है कैसे? और सिद्ध परमेश्वरी जिन्हें हम शुद्ध आत्मा या शुद्ध जीव कहते हैं, अगर वे हैं तो आत्मा कैसी है? किसी ने पूछा किन्हीं मुनिराज से, महाराज जी आपको परमात्मा के दर्शन हो गए? बोले हो गए। अच्छा, तो आपके परमात्मा कैसे हैं? बोले जैसे हमने माना है वैसे हैं। अच्छा, आपने कैसे माना है? बोले जैसे हमने माना है उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमने जैसा मान लिया बस वो हमारे लिए ही है, तुम्हारा उससे काम चलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी 2000 वर्षों में ऐसे आचार्य का नाम इनके अतिरिक्त नहीं आता जिन्होंने ऐसी आध्यात्मिकता के रसातल तक पहुंचकर आत्मा का रसा स्वादन किया हो। ऐसे आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी ने जब आत्मा का वर्णन किया तो उन्होंने लिख दिया, परसरूपम गंधम अवतम चीदिना गुण असतम जानिया लिंग कहणम जीवमणि दिप्ति संधारम। कुछ लोगों को याद आ गया, कुछ लोगों को देर से याद आया और कुछ लोगों को याद ही नहीं आया। किस बात की माता जी? बताई थी जब आचार्य प्रणीत गाथा बोली जाए तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना चाहिए, यह अपनी विनम्रता और विनय का प्रतीक है। आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी ने सबसे पहली बात बताई आत्मा कैसी है, तो बोले अरस, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई रस नहीं है। बोले कैसे, आज तक कोई आत्मा को चख पाया है क्या? आत्मा खट्टी है, मीठी है, चरबरी है, कसाईली है, कैसी है? बोले आत्मा कैसी भी नहीं है क्योंकि इसका कोई स्वाद ही नहीं है। कोई तो स्वाद होगा? बोले कोई भी स्वाद नहीं है। और कई बार जो कह रहा है बड़ा ध्यान लगा करके मीठा मीठा आनंद आ रहा है, तो सच्चाई तो ये है वह भी झूठ है क्योंकि आनंद भी मीठा नहीं है। इसी तरह आत्मा का भी कोई रस नहीं है, उसे किसी भी प्रकार से चखा नहीं जा सकता। फिर आत्मा को कैसे जाने? बोले अरूपम, बोले उसका कोई रूप भी नहीं है। देखने में कैसी लगती है, कैसी है? कई बार लोग कहते हैं कि दीपक की ज्योत जैसी है, तो उसका तो रूप है लेकिन आत्मा का कोई भी रूप नहीं है। कोई कहता है बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है, बहुत सारी ट्यूबलाइट
कोटि हेलोजन का प्रकाश इकट्ठा कर लो, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश इकट्ठा कर लो, वैसा प्रकाश आत्मा में है, तो प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है और आत्मा आत्मा है, इसलिए आत्मा वैसी भी नहीं है। परस अरूपम अगंध, बोले आत्मा कैसी है, बोले अगंध, कैसी भी गंध नहीं है, खुशबू आ रही है नहीं आ रही, दुर्गंध आ रही है नहीं आ रही, अलग प्रकार की आ रही है, बोले भैया आत्मा में गंध ही नहीं है, उसे कितनी बार भी गंध लेने का प्रयास कर लेना, पुद्गल में तो गंध पाई जाती है लेकिन आत्मा में कोई गंध नहीं है। जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे थे अरस अरूपम अगंधम, उसके बाद उन्होंने सीधे एक शब्द कह दिया अवत्तम। अब वो आत्मा को बताते बताते कह रहे हैं अवत्तम, यानी बताया नहीं जा सकता, उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, मैं जिसको कह रहा हूं वह अव्यक्तव्य है, केवल जो व्यक्तव्य है उसे शब्दों में बांधा जा सकता है, जिसे शब्दों में बांध लिया वो व्यक्तव्य है, लेकिन आत्मा को तो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यदि किसी साइन बोर्ड पर लिख दिया, बोले आचार्य कुंदकुंद स्वामी और हमारे भगवान ने वितरागी देवों ने आत्मा को बताया, बोले आत्मा को बताया ही नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है और जैसा बताया है वैसी है नहीं। बोले मतलब ये जैसे एक साइन बोर्ड लगा है, माइलस्टोन लगा है, उस पर लिख दिया कलकत्ता और लिख दिया 450 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति ने पढ़ लिया कलकत्ता, गाड़ी से उतरा और माइलस्टोन को पकड़ करके बैठ गया, क्यों भैया इस पे कलकत्ता लिखा है, ये कलकत्ता है तो है कलकत्ता, कलकत्ता नहीं है। इसी तरह केवल जो बताया जा रहा है ये भी साइन बोर्ड है, इनको पकड़कर नहीं बैठ जाना। एक बच्चे ने जिद की मुझे तो चंद्रमा से खेलना है। अब बाल हट, स्त्री हट और राज हट, ये तीनों हटे प्रसिद्ध हैं। तो बाल हट बच्चे की हट कैसे उसे पूरी करें, बड़े परेशान हो गए। तभी किसी ने बताया एक काम करो, एक थाली में जल भर करके छत पर ले आओ और उस चंद्रमा में, चंद्रमा की परछाई जब थाली में पड़ेगी, चंद्रमा परिलक्षित होगा तब बालक समझ जाएगा चंद्रमा आ गया। वह बालक ने चंद्रमा को देखा थाली में और उसको देख करके बड़ा खुश होने लगा, उसे बार बार छूने लगा, छप छप करने लगा कि मैं चंद्रमा से खेल रहा हूँ, तो वास्तव में वो भी चंद्रमा नहीं है। कोई व्यक्ति आया, ज्ञानी व्यक्ति आया और उंगली दिखा करके कहा देखो वो रहा चंद्रमा, तो जो उंगली दिखा रहा था, जो देख रहा था, वो आता है उसकी उंगली पकड़ लेता है और पकड़ करके कहता है मिल गया चंद्रमा। तो चंद्रमा ये भी नहीं है, केवल इंडिकेशन है, इंडिकेट किया जा रहा है, चंद्रमा तो वास्तव में वहां है। ये सब कुछ जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, आत्मा वैसी भी नहीं है। कहा है रही मन बात अगम्य की, कहत सुनन की नाय, जानत है वे कहत नहीं, कहत वे जानत नाय। भैया ये तो अगम्य की बात है, अब इसे कहा नहीं जा सकता, जो जानता है, जिसने वास्तव में आत्मा का अनुभव कर लिया वो कहेगा मैं कह नहीं सकता, और जो कह रहा है तो समझ लेना उसने अभी अनुभव नहीं किया। ऐसी आत्मा के विषय में बताते बताते अगली बार जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, समय सार जैसे ग्रंथों को रच लिया, वे आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं भैया जो भोजन मैंने किया है उससे तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है, जो अनुभव मैंने लिया है वो अनुभव तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, मेरा अनुभव केवल मेरे काम आएगा और तुम्हारा अनुभव केवल तुम्हारे काम आएगा। व्यवहार की जो पंक्ति है, व्यवहार का मार्ग तो दिखाई देता है और निश्चय मार्ग कभी दिखाई नहीं देता। व्यवहार मार्ग दिखाई दे रहा है, जब तक प्लेन चल रहा है, हवाई पट्टी पर दौड़ता चला जा रहा है, सबको मार्ग दिखाई दे रहा है, बिना दौड़े आकाश में उड़ नहीं सकता। जब तक दौड़ता चला जा रहा है तब तक व्यवहार है, और जैसे ही
आकाश में उड़ा वैसे ही निश्चय मार्ग प्रारंभ हो गया। अब उसके कोई निशान नहीं है। व्यवहार को देखा जा सकता है पर निश्चय को देखा नहीं जा सकता। पुनः आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी ने कहा, चेतना गुण मसत्तम, वे आत्मा चैतन्य गुणों से व्याप्त है, ज्ञान और दर्शन गुणों से भरपूर है। बोले कहाँ है ज्ञान? बोले आत्मा में। आत्मा में कहाँ है? हर जगह। हर जगह कैसे है? बोले ठीक, ये बताओ घी में चिकनाई कहाँ है, किसे कंश में है? बोले वो तो सर्वत्र व्याप्त है। घी और चिकनाई अलग अलग नहीं है, ऐसे ही आत्मा और ज्ञान भी अलग अलग नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। एक व्यक्ति ने गुड़ की डली मुंह में रखी और गुड़ की डली मुंह में रख करके अब उससे पूछो भैया किस ओर से स्वाद आ रहा है, किसी एक दिशा से आ रहा है? बोले नहीं भैया, ये तो पूरी ओर से आ रहा है। ऐसे ही जैसे वह मिठास पूरे गुण में व्याप्त है, ऐसे ही चेतना के ज्ञान आदि गुण संपूर्ण चेतना में व्याप्त है। पुनः आगे कहा, अरस अरुम गंधम अवतम चेतना गुण मसिद्धम, जान। आचार्य महाराज ने कह दिया जानो, ऐसी आत्मा को जानो जिसका ना कोई रस है, ना कोई गंध है, ना कोई वर्ण है, ना देखने में आती है, ना अनुभव में, ना किसी प्रकार से उसे देखा गया है। बोले उस आत्मा को जानो जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है और शायद अभी तक अनुभव किया नहीं। अलिंगक गहड़, बोले उसका कोई चिन्ह नहीं है, या फिर ये कहीं जो चिन्ह वाली चीजें हैं इंद्रिय के द्वारा वे ग्रहणीय नहीं है, ग्राह्य नहीं है, उसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता, ऐसी आत्मा को तुम जानो। जैसे एक रस्सी से यदि कोई आकाश को बांधना चाहे तो बांध नहीं सकता, यदि एक रस्सी से कोई पुद्गल वस्तु को बांधना चाहे तो बांध ले, लकड़ी के ढेर को बांधना चाहे तो बांध ले, लेकिन एक बहुत बड़ी रस्सी देकर के आपको कहा जाए कि जाइए आकाश को बांधिए तो कौन बांध कर ले आएंगे? वो लाया नहीं जा सकता। ऐसे ही आत्मा को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, उसे ना शब्दों में बांधा जा सकता है और ना उसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जीव मणिदिट्ठ संधारण और आत्मा का कोई संस्थान भी नहीं है। यदि कोई मनुष्य है तो उस आकार की हो जाती है, पेड़ पौधे में आत्मा है तो उस आकार की हो जाती है, पशु पक्षी में आत्मा है तो उस आकार की वह आत्मा हो जाती है, केवल जिस पर्याय पर होता है उसी पर्याय के आकार की वह आत्मा हो जाती है। इसका अर्थ इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। महानुभाव, जिस आत्मा का कोई आकार नहीं वह आत्मा है क्या चीज जिसके निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है? जिस शरीर में अब तक कष्ट हो रहा है उसमें से आत्मा निकल गई, लोग ले जाकर के अग्नि में जला भी दें तो भी उसमें कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा निकलते ही इतना बड़ा परिवर्तन, जैसे अभी सब चीजें चल रही हैं, माइक भी चल रहे हैं, फैंस भी चल रहे हैं, लाइट्स भी चल रही हैं, और अचानक से लाइट यदि चली जाए तो सब बंद हो जाता है, और जैसे ही थोड़ी देर बाद लाइट लाइट चलना शुरू हो गया, सब लोगों ने कह दिया लाइट आ गई, तो भैया लाइट क्या है, किसी ने देखा है क्या? आखिरकार लाइट क्या है जिसके आते ही सब कुछ संचालित हो गया? ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है जिसके आने जाने से इतना प्रभाव पड़ जाता है, वरना उसके बिना तो सब कुछ पुतकर ही है। महानुभाव, माना जाता है सिद्धों का आकार क्योंकि अंतिम समय में जिस शरीर को त्यागना, चाहे खड़गासन चाहे पद्मासन, अब आत्मा में उस आत्म प्रदेशों में कोई चेंज नहीं, केवल कुछ न्यू जो खाली जगह है, मुंह खोलो तो मुंह में खाली जगह, पेट में तो खाली जगह, बैठे हैं पालती मार करके पैरों के बीच में खाली जगह, बस उतने खाली स्पेस को आत्म प्रदेश घेर लेते हैं, बाकी वैसा का वैसा सिद्धों का आकार रहता है और जाकर के सिद्धों सिद्धालयों में विराजमान हो जाती है। फिर भी जाना नहीं जा सकता, कहीं की अनुभव करें, ध्यान करें तो ध्यान भी बहुत स्थूल चीज है,
ध्यान के माध्यम से भी अभी उसे जाना नहीं गया। आज जिसको हम ध्यान कहते हैं वह तो केवल चिंतन है, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो कहीं इस पंचम काल में हो ही नहीं सकता। महानुभाव, सिद्धों की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। यदि कोई छोटे बच्चे से कहा जाए उसकी मम्मी नानी के यहाँ चली गई, अब बेटे को याद आ रही है माँ की, कोई कहे बेटा तुझे मम्मी को 6 से 7 के बीच में याद करना है, बेटा कहेगा ये कैसे, मुझे तो माँ की जब याद आएगी मैं तो तब याद करूंगा। बोले तो टाइम नोट कर लेना। बोले कोई टाइम नहीं है, मुझे तो कभी भी याद आ सकती है, आज भी आ सकती है, हर समय भी आ सकती है, चलते चलते भी आ सकती है, खाते खाते भी आ सकती है, कभी भी माँ की याद आ सकती है। ना तो कोई स्पेशल मुद्रा है और ना कोई स्पेशल टाइम है। इसी तरह भगवान की भक्ति पूजा अर्चना के लिए ना कोई स्पेसिफिक टाइम है ना कोई स्पेसिफिक मुद्रा है। भगवान की भक्ति कभी भी की जा सकती है, इसीलिए आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने के समय को तो निश्चित कर दिया, लेकिन भक्ति के समय को निश्चित नहीं कर पाए। वो भी जानते थे भगवान की याद जब आएगी तब आएगी, उसे कहीं परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आज इस सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत जो सिद्ध परमेष्ठी के गुणों की उपासना कर रहे हैं, गुण और गुणी अलग अलग नहीं है। गुणों की उपासना में गुणी की उपासना आ जाती है, गुणी की उपासना में गुण की उपासना आ जाती है। हम केवल ज्ञान की उपासना करें या अरिहंत परमेष्ठी की उपासना करें, केवल ज्ञान और अरिहंत परमेष्ठी अलग अलग नहीं है। तो ऐसे ही पहले दिन 8 गुणों को कहकर के हमने उपासना की, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 और कितने भी गुणे करते चले जाओ, शब्द कम पढ़ सकते हैं लेकिन गुणों की संख्या कम नहीं पढ़ सकती। महानुभाव, ऐसे सिद्धों का थोड़ा थोड़ा, वैसे तो सिद्ध अनुभव गम्य है। यदि कोई सोचे पशु मनुष्य का आनंद ले ले, कोई पशु सोचे मैं मानव जैसा आनंद ले लूं, तो नहीं ले सकता। एक व्यक्ति जो दुकानदार है वो सोचे मैं IAS जैसा आनंद ले लूं, तो नहीं ले सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्टेट का आनंद ले सकता है और आनंद की क्वालिटी अलग है। अगर दुनिया भर का जितना आनंद है सब कुछ मिला दो, पूरे विश्व का तीनों लोगों का भी आनंद मिला दो, पूरे संसारिक जीवों का आनंद मिला दो, तब भी सिद्धों के आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। उनके आनंद की क्वालिटी अलग है और वो तो अनंत है। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति में डूब जाना है और हो सकता है सिद्धों के प्रदेश से छूकर के भी निकल रहे हो, क्या कह सकते हैं? बोले माता जी ये कैसे कह रही हैं? ऐसे कह रही हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं, और यदि लोक पूरण समुद्घात किया, लोक पूरण समुद्घात में प्रदेश पूरे लोगों में फैल गए तीनों लोगों में, उस समय उनके प्रदेश हमको छू करके जा रहे हैं, तो महानुभाव क्या कह सकते हैं वो प्रदेश आज भी हमको छू करके जा रहे हो, कल छुआ हो आगे छुएंगे। तो महानुभाव बहुत भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करनी है, भावना जरूरी है। शब्दों को 1% गौण भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि कवियों के ये शब्द हमारी भावना बना सकते हैं, और भावना यदि बन गई वो सिद्ध अवस्था प्रदान कर सकती है, लेकिन शब्द सिद्ध अवस्था को प्रदान नहीं कर सकते। और जैसे किसी बालक से कहें बेटा तुम्हें जब मम्मी की याद आई तो ऐसे कहना मम्मी मुझे याद आ रही है, आप मुझे इतना अच्छा खिलाती थी, बेटा कहेगा भैया मुझे शब्दों में मत बांधो, मैं तो जैसे कहूँगा वैसे कहूँगा, शब्द तो बात की बात है, भावना अंदर से निकल के आ रही है। तो महानुभाव ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करें, सिद्धों की उपासना करें, तो शब्दों को तो देखें लेकिन उन शब्दों के माध्यम से अपनी भावना को प्रबल करने का परम पुरुषार्थ करना है। हमें अपनी भावना को तीव्र करना है। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, भावना के माध्यम से चाहे भव को बढ़ा लो, चाहे भावना के माध्यम से
भव का नाश भी किया जा सकता है, इसलिए तीव्र भावना के साथ सिद्धों के गुणों का चिंतन करना है कि हे भगवान, हमें भी आप ही की श्रेणी में स्थान चाहिए। क्या चाहिए, कहाँ चाहिए? आप जैसा बन करके आपके बीच ही स्थान चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और सच बात तो ये है, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल पुरुषार्थ करते रहे, कर्म करते रहे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कुमोचंद स्वामी ने तो कहा, भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। और भगवान का साथ जब मिलेगा तो सब कुछ तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो महानुभाव, खूब भक्ति भावना के साथ यह सिद्धों की उपासना करनी है। आप सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं जो इतनी जल्दी जल्दी सिद्ध चक्र विधान में बैठने का मौका भी मिलता रहता है। वरना कई बार लोग कहते हैं कि जीवन भर हो गया, कभी सिद्ध चक्र विधान ही नहीं किया। कई बार जीवन में एक बार किया, किसी ने दो बार किया। यदि कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है तो वो कहता है, मैंने 25 बार भी किया है, 40 बार भी किया है, 50 बार भी किया है। ऐसी परम कृपा परमेश्वर की मेरे ऊपर सदैव रही। तो महानुभाव, बस आप लोगों के लिए यही भावना भाते हैं कि आप सिद्धों की उपासना करते करते सिद्ध चक्र के मध्य, यानी सिद्धों के समूह के मध्य जाकर के विराजमान हो। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति सिद्धों की अर्चना कर सकता है, अरिहंतों की पूजन कर सकता है, गुरुओं की वाणी सुन सकता है, वह व्यक्ति निश्चित ही शीघ्र अति शीघ्र समव शरण में पहुंच सकता है। और समव शरण में पहुंच करके वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त भी कर सकता है। तो महानुभाव, आप सभी लोग यह अतिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। जो यहाँ पर पात्र बनकर के बैठे हैं, उन सभी को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया जी यहाँ विधान करा रहे हैं, भैया जी को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सभी लोग जो भगवान की पूजा अर्चना कर रही है, आप सभी लोगों को भी शुरू से लेकर लास्ट तक, या जो जितना भी आनंद ले सकता है, उन सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवैश्य वसुनंदी जी महाराज की जय। हरिकृष्ण वरदर्श नंदिनी माता जी की जय। सभी की जय। इतना उपक्रम हो जाए कि सिद्धों की श्रेणी में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा प्रणाम है। ऐसे उन मुनिराजों के पापे चरणों में धूप में शांति आ जाए कि आपके घर का पूरा माहौल बदल जाए, आसपास का पता चल जाए कि वास्तव में आपके व्यवहार के माध्यम से कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कोई वास्तव में बड़ी पूजन हो रही है। तो 8 दिनों के अंतर्गत बहुत जोर से कोई भी नहीं बोलेगा। और देखो, जिसको माननी है वो धीरे भी मान लेगा, और जिसको नहीं माननी वो जोर से भी नहीं मानेगा। और गुरु जी तो कहते हैं कि जब जोर जोर से व्यक्ति कोई बोलता है तो घर वाले कहते हैं कि तो आदत ही ऐसी है, तो मानना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए अपनी बात को सरलता सहजता से कहना है, उस बात का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इन सब कषायों को अक्षम करके रखना है, खूब अच्छे से अपना यह विधान संपन्न करना है। यही आप लोगों का 8 दिन तक का क्या है, पर हम कह रहे हैं प्रयास है। क्योंकि कषायों की उशांना कभी कषायों का आवेग हो सकता है, पर उस समय भी प्रयास करना है उनको शांत करने का। ओम नमः। बोले सिद्ध चक्र महामंत्र श्री पशु नंदी जी महाराज की जय। कृष्ण प्रदर्शन नंदिनी माता जी की समस्त जय।
मेरी सोनी सारी अचल जी दूरा ईश्वर से जे काम का पूज करो उस दिन प्रतिमा का बिना आदत भाग धरो बोलिए पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण पंचाशन प्राप्त जय मना ओम नमः शिवाय।
अरहस्तो
नशी कर्म बस भरती, वो जो हो इशारे नशी
करते हो भैया सुखनी वीणा तेरे में ही पावते हो कदे 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 स्वरूप गुण महिराज करे तमो चित्त जग कृष्ण रूप अचल विराज करे भव्य नमस्कार अस्ति मस्य कृष्ण प्रविष्टिभ्यो अंदर को प्रदत्ता अर्जुन गर्व पावे बस कमी आपकी आप यहाँ जाइए बस कमी आपकी आप यहाँ जाइए दिल की भगतोनी खुद सभी रचाया है दिल की भगतोनी ये बिठानी रचाया है बस कमी मेरे ऊपर अच्छी अच्छी बात
भाभी मेरे अच्छे अच्छे भैया कुछ मंदिर ले जाया करो। कभी प्रभु की आरती कभी पूजापति कभी दोनों पहनाया करो। मेरी अच्छी अच्छी भाभी मेरे अच्छे अच्छे भैया कुछ मंदिर ले जाया करो। कभी भक्ति कभी पूजा कभी पूजा कभी भक्ति कभी दोनों पहनाया करो। छोटी सभी के अभी एक शब्द भी नहीं आपको इशारा हो।
जंती राज से इस भोगवन में एक भी बाधा नहीं लगी मेरे बिन निज पर सही रहे और अब गाना एक था अरगंदर बाबा में थी Oh, my God.
विनाश विनाश हो तो विनाश विनाश हो
बदी भोज लेगी की दाता हो आप पिलाते हो ईश्वर से
पारस ज्वेलर्स में जाना एक मिनट मिलेगा। हाँ, और पारस ज्वेलर्स पार्श्वनाथ ज्वेलर्स अजितनाथ जी के यहाँ पार्श्वनाथ ज्वेलर्स पर आज हम सभी पहुंचेंगे ठीक 6:30 बजे। यहाँ से ही चलना है, 6:45 बजे यहाँ उपस्थित होना है। 6:30 से 6:30 माता जी के गुरु भक्ति आदि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद अपन एक साथ जुलूस के साथ वहाँ चलेंगे और महाद्वीप लेकर यहाँ तक पहुंचेंगे। तो और अजित जी सबसे निवेदन कर रहे हैं, इसमें बोल दो भैया, अरे इसमें बोल दो, और सभी के भोजन की व्यवस्था अभी की सभी की भोजन की व्यवस्था हमारे ध्यान करताओं के श्रद्धा से आराधिपति पूजी शक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन हम करी सदा तेरो कल्याण। ओ फिरा विधि गुरु ब्रह्मरा असि अभूषण मां अर्हता दी पंच परमेश्वर हम पूजा विधि विसर्जन करो में अपराध क्षमा प्रण भवतु। यहां 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 श्री जी नगर जी की आसिका तीजे शीश चढ़ाए ओ भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। उनके साथ आप करेंगे 2-3 बजे जब भी उनको एक टाइम दे दो तो वो यहाँ आ जाएंगे। और दो पहले उसका मंगलाचरण करेंगे। कोई भी बच्चियां जो नृत्य करना जानते हैं वो भैया हटो जल्दी, इनको यहाँ पीछे खिसको ना जल्दी, उधर से कर लो लगा दो, फिर लोग ठोकर मारते जाते हैं, करो पीछे चेहरे का तो करो पीछे। ओ श्री सीधी चेक का पाठ करो दिनिया काट से प्राणी बल पायो मीना रानी। सिर सीधे चक्र का पाठ करो दुनिया के काट से प्राणी बल पायो मीना रानी। मीना सुरगिरी किनारी की थोड़ी मतलब दुखियारी थी, दही बड़ी चीनी थी निभी नी दस दिन पुलानी बल पायो मीना रानी। चक्र की जानी बल पायो मीना रानी।
आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।